सो हाय गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं अगर आपके स्मार्टफोन से फैक्ट्री रीसेट से अगर आपका डेटा डिलीट हो चुका है, चाहे किसी भी टाइप का आपका डेटा हो, चाहे आपके डेटा के अंदर आपके फोटोज हो सकते हैं, आपकी वीडियोस हो सकती है, आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स हो सकते हैं, आपका किसी भी तरह की सेटिंग्स हो सकती है, जो भी आपके मैसेज हो सकते हैं, अगर वो डिलीट हो गए हैं फैक्ट्री रीसेट से और अब आप अपने डिलीट हुए फैक्ट्री रीसेट से जो डेटा डिलीट हो गया है उसे रिकवर करना चाहते हैं, वापिस लाना चाहते हैं, तो कैसे लाएंगे? इससे रिलेटेड काफी व्यक्तियों के इश्यू है, काफी व्यक्तियों की प्रॉब्लम है। आई होप अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो आप हमारी ये वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। आज की ये वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि डिलीट हुए जो फैक्ट्री रीसेट से डेटा डिलीट हो गया है उसे कैसे रिकवर किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें, लेकिन अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए एंड अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज मैं आपको बताने वाला हूं अगर आपका फैक्ट्री रीसेट से डेटा डिलीट हो गया है और आप अपना डिलीट हुए डेटाज को रिकवर करना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमारी ये वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि फैक्ट्री रीसेट से डिलीट हुए डेटाज को कैसे रिकवर किया जाता है, कैसे वापस लाया जाता है। दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो, तो आप हमारी ये वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखें और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन पर जाना है और जहाँ कहीं भी सेटिंग ऑप्शन हो आपको सेटिंग्स के अंदर क्लिक कर देना है। सेटिंग्स के अंदर जैसे ही आप क्लिक करते हैं कुछ इस टाइप की मेनूज आपके सामने यहाँ पर शो होती है। इस मेनू में दोस्तों आपको करना क्या है, अगर आपका फैक्ट्री रीसेट से डेटा डिलीट हुआ है तो उसके लिए दोस्तों आपको अपने स्मार्टफोन में जाना है। स्मार्टफोन में सिस्टम सेटिंग्स जहाँ कहीं भी है आपको सिस्टम सेटिंग्स के अंदर चले जाना है। सिस्टम सेटिंग्स के अंदर जैसे ही आप क्लिक करते हैं कुछ इस टाइप की मेनूज आपके सामने यहाँ पर शो होती है। इस मेनू बार के अंदर डाउन पर आपको जाना है और नीचे ही नीचे दोस्तों यहाँ एक ऑप्शन हमें देखने को मिलता है बैकअप एंड रीसेट का। बैकअप एंड रीसेट पर आपको टाइप करना है। बैकअप एंड रीसेट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके पास कुछ इस टाइप के ऑप्शन यहाँ पर आते हैं। अब आपको अपना डिलीट हुए डेटास को रिकवर करना है तो कैसे करेंगे, इसके लिए दोस्तों ऊपर ही आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है बैकअप एंड मर्ज का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ से आप अपने बैकअप को यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना है क्लीनअप और इसको इंस्टॉल करने के बाद आप इस चीज़ को यूज में लेंगे। इसके अलावा एक ऑप्शन और होता है आपके स्मार्टफोन में, यहाँ ऑप्शन होता है बैकअप अकाउंट का। आप गूगल के जरिए बैकअप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करिए, अपनी जीमेल आईडी को यहाँ पर सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों कुछ इस टाइप से आपके सामने आपकी जीमेल आईडी आएगी और यहाँ पर आपका जो बैकअप है वो शो हो जाता है। अब इस बैकअप को आप इजी स्टेप्स में यहाँ से रिकवर कर सकते हैं क्योंकि आपका बैकअप ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिया हुआ है। ऑटोमेटिक बैकअप जो लिया गया है उसको आप रिस्टोर एंड रिकवर कर सकते हैं। ये बहुत ही शानदार तरीका है जिसकी मदद से दोस्तों आप भी अपने डिलीट हुए डेटास को फैक्ट्री रीसेट से जो डेटा डिलीट हो गया है उसे रिकवर कर सकते हैं। अगर आपको ये मेथड पसंद आया हो एंड अच्छा लगा हो तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास वीडियो को जरूर पहुँचाएं, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस, ज्ञानवर्धक वीडियोस हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा काम आती है, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है। तो दोस्तों आप हमारी ये वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए एंड अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ये वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।